लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण को लेकर आज शाम को प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा, जिससे पहले सभी सियासी दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी चरण में पीएम मोदी की भी सीट वाराणसी है, जिसको लेकर बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक पर मेहनत कर रही है। भैया, इनका कहने का मतलब है मोदी भाई खटाखट 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 400 पार करेंगे और ये लोग फटाफट 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 यहाँ से निकल जाएंगे। और इसको लेकर बीजेपी ने पार्टी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, जो कई दिनों से लगातार पीएम मोदी के लिए काशी में डोर टू डोर कैंपेन कर पीएम के लिए मुस्लिमों का समर्थन मांग रही हैं। जैसा कि बीजेपी ने इस बार वाराणसी सीट से 5 लाख से ज्यादा मतों से पीएम मोदी को जिताने का लक्ष्य रखा है, इसी को लेकर बीजेपी काशी में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने में लगी है, जिसको लेकर माधवी लता को ये जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि माधवी लता बीजेपी की फायर ब्रांड नेताओं में से एक हैं, जो कि इस बार हैदराबाद लोकसभा सीट पर AIMIM चीफ ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए बीजेपी उनके हैदराबाद वाले अनुभव को काशी में इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं ओवैसी भी इन दिनों वाराणसी में बीजेपी के वोट बैंक पर सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं, जिस पर माधवी लता ने ओवैसी पर तीखा प्रहार किया है और ओवैसी को नसीहत देते हुए काशी को समझने में ओवैसी को एक जन लगने की बात कही। पहले मैं यही कहती हूँ असदुद्दीन से कि आप अपना हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट जहाँ पे अपना गढ़ मानते हैं, पहले उसका साफ सफाई करना शुरू कर दीजिए। काफी बदतर हालत में है वो, इंसान का जीवन कचड़ा कुंडी से कोई कम नहीं है वहाँ पर, और आप निकल पड़े 400 पार करने वाले प्रधानमंत्री से वो निकाल कर बाहर रखने की। भैया, हम सारे काशी में होकर आए हैं, अभी यहाँ इतना अमन जो है, जो सबका साथ सबका विकास है, हिंदू और मुसलमान के बीच में जो भाईचारा है, इसको समझने के लिए असदुद्दीन को एक जन्म लग जाएगा। माधवी लता ने ABP नेटवर्क से बात करते हुए राहुल अखिलेश यादव पर भी जमकर प्रहार किया, राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताया और अपनी सीट बचाने को कहा, तो वहीं अखिलेश यादव पर सपने वाला तंज कसा। मुझे बताने दीजिए, राहुल भैया अभी बहुत छोटे हैं मानसिक तौर पर, काफी वक्त लगेगा उनको बड़े होने में। पहले अकेले बिना किसी मदद का अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने के लिए बोलिए, लोग उनसे वोट मांगने के लिए बोलिए, बिना बहन का और बिना माँ साथ लिए जाने के लिए बोलिए। पहले लगता है ना सुबह सुबह दिन दहाड़े सपना देखना शुरू कर दिए हैं, गर्मी ज्यादा हो गई, आपने कहा रोड शो किया है, लगता कहीं नींद लग गई होंगी और नींद में उन्होंने सपना देखा होगा, जब जागेंगे ना 400 पार का आवाज सुनाई देगा उनको हमारा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।